अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो का आनंद लेते रहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं इस ट्रिक एंड राइड का आरएस का टैंक बैग का रिव्यू करने वाला हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे दो जिप आपको साइड में मिलेगा इसको बंद करने के लिए, और चिपकाने के लिए एक स्ट्रिप होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आसानी से आप ऐसे खोल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, और सॉरी वो थोड़ा गंदा है क्योंकि मैं 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए। और आप देख सकते हैं ज़्यादा, अगर आपको इसका स्पेस बढ़ाना है तो आप इस पीछे एक चेन है इसको आप ऐसे खोलेंगे तो इसका जो स्पेस है वो भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्पेस भर जाता है। और अगर पीछे आप देखें तो इस पे आपको मैग्नेटिक जो एनफील्ड है, एक्चुअली ये बैग एनफील्ड के लिए बना हुआ है, और ये इसका जो ये 6 मैग्नेट दिया गया है इसके ऊपर 6 मैग्नेट दिया गया है आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो है बहुत ही ठीक ठाक है, वो बहुत ही आसानी से आप एनफील्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक को आरएस में या कोई जो प्लास्टिक का टैंक हो ऐसे ऐसे वाला कोई कोई बाइक पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रैप लेना पड़ेगा जैसे इसमें दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने इस पे लगाया हुआ है, और ऐसा स्ट्रैप आपको ट्रिक एंड राइड से लेना पड़ेगा, और इसके लिए शायद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़े। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉकेट मिलता है, इस साइड पर भी मिलता है, दो साइड पर, और ऊपर भी एक मिलता है। और आप यहाँ पर अपना मोबाइल रख के और GPS रख के यूज़ कर सकते हैं इसके। और आप इसको हाथ में जब यूज़ नहीं कर रहे तो हाथ पे ऐसे ऐसे भी लेके घूम सकते हैं, और आप अगर बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपका आपके पास अगर ये स्टेप हो तो। तो चलिए इसको लगाते हैं मेरे RS 200 में तो, और आपको दिखाते हैं। और उसके साथ आपको इसको ये रेन प्रोटेक्टर भी मिलता है, आप देख सकते हैं। और आरएस में लगाने के लिए आपको ऐसा एक स्ट्रैप चाहिए, और ये स्ट्रैप जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये स्ट्रैप यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रैप है ऐसे करके, ये जो स्ट्रैप ऐसे करके यहाँ से आएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा, और आप देख सकते हैं ये आसानी से लग गया। उसके बाद ये जो आपको मिलेगा ये आपको इसके अंदर से लेना पड़ेगा, और इसमें जैसे देख सकते हैं इस पे लगाना पड़ेगा ऐसे करके। और उसके बाद जो उस साइड पे था ऐसे ही, और एक स्टेप आपको इस साइड पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लगा देना होगा। तो आप मैग्नेटिक टैंक बैग के तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टैंक मैग्नेटिक नहीं है, आरएस जैसा टैंक है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये लग गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका इस बैग का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आपको लेना है तो वहाँ से भी ले सकते हैं।